सावन आवे रंग ले आवे जट कद आई बैसाखी गावे ओ तंद चरखे पींगा पाइया बई मेले चलिया। बैसाखी पर्व धार्मिक विश्वास, राजनीतिक चेतना, सामाजिक उल्लास और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। बैसाखी के मौके पर लोग झूम उठते हैं। ये पर्व एक ओर जहां किसानों के जीवन में आनंद और मौज मस्ती का संचार करता है, वहीं आम जन को अपनी सांस्कृतिक विरासत से रूबरू भी कराता है। बैसाख का पहला दिन सदियों से हमारी सभ्यता और संस्कृति को अक्षुण्ण रखने में एक अहम किरदार निभाता रहा है। इसी दिन 1699 में खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। यही नाम है अधारा। सही मायने में ये पर्व किसानों के लिए उमंग भरा होता है, क्योंकि किसानों के रबी के सीजन की पूरी मेहनत का फल इस दिन तक गेहूं की पकी हुई बालियों में झलकने लगती है। गेहूं की पकी बालियों का दृश्य ऐसा लगता है मानो कुदरत ने खेतों में सोना बिखेर दिया हो। इस सोने को देखकर किसान अपनी खुशी को रोक नहीं पाते हैं। बैसाखी का पर्व न केवल पंजाब बल्कि हर भारतवासी के स्वाभिमान और दिल से जुड़ा हुआ है। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने जलियावाला बाग में निहत्थे भारतीयों पर गोलियां बरसाईं। इस अमानवीय घटना को सुनकर पूरी भारतीय कौम हिल गई और ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गई। बैसाख का संबंध न केवल मौज मस्ती से है बल्कि भारत के प्राचीन विरासत से भी बखूबी जुड़ा हुआ है। बिमलेन्दु कुमार पांडे की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली।